नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, संसार के सभी मनुष्य जीनियस होते हैं। सभी व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभाओं में, क्षमताओं में दक्ष और पारंगत होते हैं। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मेजर ध्यानचंद हॉकी के खेल में हमारे देश को इन्होंने बहुत ही ख्याति दिलाई है। ओलंपिक में 1928, 32 और 36 में पदक दिला करके देश का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। बहुत ही प्रतिभावान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि सन 1936 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ओलंपिक का फाइनल मैच था, जर्मनी वर्सेस हमारे देश भारत के बीच में वह खेल था। जर्मनी किसी भी कंडीशन में जीतना चाहती थी, यहां तक कि वे खिलाड़ी लड़ाई झगड़े पर भी आमदा हो गए, मिसबिहेव करने लगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जर्मनी के गोलकीपर से टकरा करके उनके दो दांत टूट गए, तो उनको बाहर लेकर जाया गया। थोड़ी देर के उपरांत वो पुनः मैदान में आए और जर्मनी की भाषा में उन्होंने 3 गोल दागे और वह मैच हमने 8-0 से शायद जीता था। तो उनकी खेल भावना से प्रेरित होकर जर्मनी का जो हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, जो तानाशाह शासक था, उसने मेजर ध्यानचंद को कहा कि तुम आगे से हमारी टीम में खेलोगे और तुम्हें सेना के उच्च पद पर आसीन करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। क्योंकि मेजर ध्यानचंद जानते थे कि यदि मैं अस्वीकार करता हूं तो कभी भी ये गोली मार सकते हैं, लेकिन अति प्रतिभावान, प्रतिभाशाली हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने कहा कि भारत बिकाऊ नहीं है। और उसकी निडरता और खेल के प्रति इतना प्रतिभाशाली मेजर ध्यानचंद को देख करके हिटलर ने उन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से नवाजा। कहा जाता है कि ऐसी किंवदंती है कि हिटलर ने ही उन्हें यह जो नाम था हॉकी का जादूगर, इससे नवाजा था। फिलहाल 2021 से पहले जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता था उसमें एक पुरस्कार दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 से उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। उसमें लगभग मेरे ख्याल से 25 लाख राशि दी जाती है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 साल लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी को 25 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाता है, ये सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले ये पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, शायद पिछली बार क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को दिया गया और भी एक दो खिलाड़ी थे उनको दिया गया। देखो, खेलों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जो बच्चा पढ़ाई के साथ खेलों को महत्व देता है वह प्राय कुशाग्र बुद्धि होता है, उसकी मानसिकता का स्तर कहीं ऊंचा होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, रुग्ण शरीर में रुग्ण मानसिकताओं का उदय होता है। विद्यार्थी जीवन हो या युवा अवस्था हो, मानवीय जीवन की आधारशिला होती है। उस समय आत्मसात की गई समस्त अच्छी और बुरी आदतों का हमारे समग्र जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। जो बच्चा पढ़ाई के साथ खेलों को महत्व देता है वह प्राय कुशाग्र बुद्धि होता है, उसमें दया, क्षमा, ईमानदारी जैसे मानवीय गुणों का अधिक विकास होता है। जो बच्चा खेलों को महत्व देता है वह बड़ा चुस्त होता है। कई बार जो शिक्षा हमें पाठ नहीं सिखा सकता वह खेल का मैदान सिखा देता है। खेल के मैदान में एक खिलाड़ी नेतृत्व की भावना सीखता है,
अनुशासन सीखता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर रहना सीखता है। देखो, खेल में हार जीत का कोई महत्व नहीं होता, ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। हारने वाले खिलाड़ी को जीतने के लिए पुनः प्रयास करना चाहिए। खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए, प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। स्कूलों और कॉलेजों से खिलाड़ी नाम कमा करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाता है। यह शरीर ईश्वर की देन है, इसे स्वस्थ रखना हमारा परम कर्तव्य है, और सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेलों का भी नितांत महत्व होता है। और जहां तक मेरा विचार है, हमारी सरकार को खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नई सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसे ऊंचे आयाम स्थापित करने के उचित अवसर मिल सके। बोला, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक्स।